आपका इस तकनीकी सत्र में स्वागत है। और अभी जो मैं बता रहा था कि सुन त्ज़ू के अध्याय 11 नौ परिस्थितियों में, ये नौ परिस्थितियों का सेकंड पार्ट है चैप्टर 11 का। वो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनका ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए इसको मैंने दो पार्टों में कर दिया है। हो सकता है कि साथ इसका एक तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ जाए क्योंकि चीज़ों को समझना जरूरी होता है। देखिए अब आगे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सैनिक को किसी भी आपदा से डरना नहीं चाहिए जब तक कि उसकी मौत ना आ जाए। मतलब ये मानते हैं कि देखिए भाई, जो युद्ध है वो एक आपदा है, जब तक मौत ना आए मौत के अलावा किसी चीज़ से मत डरिए। तो देखिए सैनिक तो जहाँ तक मेरा मानना है अपने सर पे हमेशा कफन बांधे रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो गलवान में जिस तरीके से हमने चीन को बिना हथियारों के 40 सैनिकों को मारा और चीनी सरकार ने ये बात बोली कि उनका किसी भी तरीके से कोई भी अंतिम संस्कार ना किया जाए, करना है तो दूर करिए, अपने घर के आसपास मत करिए, ना वो ये बता रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं, ना वो कितने घायल हैं इसकी कोई लिस्ट जारी करने को तैयार हैं। हाँ, उन्होंने कोर कमांडर्स को, डीजीएमओ को इस बात में बताया था कि देखिए शायद कुछ लाशें बहके हम आपके तरफ चली गई हों, इसका साफ मतलब था कि उनको डर था कि कुछ लोग बह कर किधर आए होंगे, वरना ये बताते भी ना अगर उधर लोग बिना बह के आते उनके चीन के। और अब जब सुनने में आ रहा है कि चीन ने अपने यहाँ के लोगों को दुख भी मनाने से मना कर दिया है, उनकी फैमिली तक को कह दिया आप मत मनाइए कोई दुख, क्योंकि पता है कि अगर कोई दुख होगा या कुछ इसी तरह की अगर कुछ घटनाक्रम होंगे या श्रद्धांजलि समारोह होगा तो मालूम चलेगा कितने लोग मरे। जबकि भारत में उन शहीदों के शरीर को बिल्कुल ताबूत में रख करके पब्लिक के बीच से उनके घर वालों को हैंडओवर किया गया कि अपना वो अंतिम संस्कार कर लें, तिरंगे में लपेटा गया, पूरा सैनिक सम्मान दिया गया। इसलिए दिया गया कि सैनिक अगर जिंदा रहते, भारत की रक्षा करते हैं, तो अगर वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो वो भारत देश की धरोहर हैं, उनका परिवार भारत देश की धरोहर है। मेरा मानना है कि अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी उसके परिवार की केयर करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है। और मेरे ख्याल से शायद जो तीर्थ स्थान हैं, हम बात करते हैं तीर्थ स्थान, मेरे ख्याल से तीर्थ स्थान वो नहीं है जिसको हम मानते हैं कि सभी धर्मों के अलग अलग तीर्थ हैं, ना वो गलत है। अगर आज की तारीख में भारत का कोई तीर्थ स्थान है तो वो है जहाँ पर सैनिकों का खून गिरा है, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो चीन की सीमा हो, वो हमारे लिए तीर्थ हैं, वो हमारे लिए तीर्थ राज हैं। हमको वहाँ पर जाकर के अपने बच्चों को, अपनी जनता को दिखाना चाहिए कि बलिदान किस तरीके से होता है। तो जिस देश में, चीन की बात कर रहे हैं सुन त्ज़ू के उस पर, कि जिस देश में चीनियों को इस बात की मनाही कर दी गई हो कि वो अपने सैनिकों के मरने का कोई भी प्रोग्राम ना करें, किसी भी तरीके से उनको अंतिम संस्कार ना करें, उनको दफन ना करें, उस देश के अगर ये बात ये नेता कहते हैं कि आपदा से मत डरिए जब तक मौत ना आ जाए, वो किस आधार पर सुन त्ज़ू किस बात को मानेंगे। और हमने उनके जिस तरीके से 40 आदमियों को मारा बिना हथियार के, बिना हथियार का मतलब मेरा यहाँ पे ये है बिना किसी फायर आर्म्स का यूज़ किए, क्योंकि उसको इंटरनेशनल तरीके से हमारे उनके बीच की ट्रीटी हुई थी। देखिए उस ट्रीटी को तो वो मानते नहीं, कभी पंचशील नहीं मानते, कभी कुछ नहीं मानते, वो तो हैं ही बेढंगे बेहुदे लोग। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम सभी अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से ट्रीटी का यूज़ का सम्मान करते हैं, और हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। उन्होंने मारा पहले जिस तरीके से मारा उसको मैंने बताया, उसके बाद हमने उनको जिस तरीके से मारा, उनको हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ के मारा, गर्दन की हड्डी तोड़ के मारा। तो मौत से जो कहा है कि आपदा से भयभीत ना हो जब तक मौत ना आ जाए, तो मेरे ख्याल से शायद अब चीनियों को अगर ज़्यादा डर लगता होगा तो भारतीयों के हाथों से लगता होगा, जो मेरा मानना है कि चीन को अब भारतीयों के हाथों से ज़्यादा डर लगता होगा। अब आगे देखिए, ये मतलब अब क्या कहते हैं, जिस दिन युद्ध का आदेश दिया जाए तो सैनिक मुंह ढक के रो सकते हैं, चेहरे को ढक के बैठे रह सकते हैं,
इसलिए लड़ाई के मैदान में ले जाने दो, वहाँ वो साहस का प्रदर्शन करेंगे। अरे तो भाई युद्ध की बात हो रही है तो क्यों ऐसे लोगों की फौज तुमने इकट्ठा कर ली जो एक तरीके से युद्ध के नाम पे आते ही रोने लग जाए, चेहरा मुंह ढक करके बैठ जाए। मतलब क्योंकि उसको आपने शुरू से कभी आपने युद्ध की तो बात करी नहीं। सुन तुझू ने हमेशा इन्होंने एक ही चीज़ बात करी, कभी पीछे से मारो, कभी आगे से मारो, कभी साइड से मारो, कभी फूट डाल दो, कभी जहर मिला दो, कभी किसी उसकी कमजोरी पर कब्जा कर लो, कभी उसकी पूरी चीज़ पर कब्जा कर लो। तो आपने जब उसको शुरू से युद्ध लड़ना सिखाया ही नहीं तो वो तो बेचारा मुँह क्या ढक करके रोएगा, वो युद्ध में भी नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं वो रोए हुए ना, इसलिए एक काम करो कि उसको रोने से बेहतर है उसको पकड़कर दुश्मन के सामने ले जाओ जहाँ पर वो साहस का प्रदर्शन करे। देखिए ये बातें इन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, आर्ट ऑफ वॉर में। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुँह ढक करके रोने की बात इन्होंने लिखी। इसका मतलब है कि उस समय के चीनी सैनिक रोते थे युद्ध की बात पे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक जगह ये बात करते हैं सांप, वो है श्वीजन सांप, इसको हम स्नैक कहते हैं। एक कोई पहाड़ है च्यांग आधा चा यांग, च्यांग पहाड़ पे एक कोई सांप मिलता है जिसका नाम है श्वीजन। तो ये क्या कहते हैं कि वो बड़ा खतरनाक सांप होता है, जब आप उसके मुंह पे मारेंगे तो पूंछ से वार करेगा, आप पूंछ पे मारेंगे तो वो मुंह से वार करेगा, जब आप उसके बीच में मारेंगे तो पूंछ और मुंह दोनों से वार करेगा। तो हमारी जो कुशल रणनीति है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए स्वीजन सांप के तरीके से, कि मुंह पे मारो तो पीछे से वार करे, जब पीछे पे मारो तो मुंह से वार करे, जब बीच में मारो तो दोनों से वार करे। तो निसंदेह मेरा मानना है कि चीन की रणनीति कुछ ऐसी ही है सांप जैसी, और मैं उसको दो मुहा सांप कहूँगा। स्वीजन सांप तो मैंने देखा नहीं, मैं कभी सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। मैं यहाँ पे चीन को मैं दो मुहा सांप कहूँगा। एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई भारत के साथ हमारी आर्थिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी थीं, आने वाला समय एशिया का है। एशिया का मतलब क्या था? एशिया का मतलब सिर्फ आप थे फिर, अगर आप हमको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते तो। एक तरफ तो आपने हमको आर्थिक रूप से सपोर्ट करने की बात करी, लेकिन सपोर्ट कहाँ किया, आपने तो पूरे दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बनाया था अपना। दूसरी ओर इन्होंने क्या किया चीनियों ने, कि इतना कुछ करने के बावजूद चीनियों ने जब बात आई पाकिस्तान की तो इन्होंने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित न करने के लिए वीटो लगाया। दलाई लामा को अपने आप घुसने नहीं देते। ताइवान की सरकार को आप कहते हैं कि ताइवान की सरकार जो है वो एक चीन की नीति का उल्लंघन है, सब लोग उसको फॉलो करो, ताइवान से मानता मत रखो। लगभग एक दो देशों के अलावा किसी ने उनको अपने यहाँ डिप्लोमेटिक संबंध उनसे नहीं रखे, फिर भी वो बेचारे ताइवानी किसी तरह वर्ल्ड में अभी भी अपना जो है दबदबा बनाए रखे हैं, चीनियों से बराबर लड़ते हैं। और दूसरी ओर आप पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देशों से अपने संबंध रखे हुए हैं। तीसरी ओर क्या कहते हैं ये कि भाई एक चीन की पॉलिसी है, तिब्बत पे अपना अवैध कब्जा करे हुए हैं, अरुणाचल वालों को नत्थी वीज़ा देते हैं और हमसे कहते हैं कि हम एक चीन को माने। क्यों भाई, ये तो आप हमको ही परेशान करते हो। बहुत पहले से ही जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनको यह बात चीन को स्पष्ट करनी चाहिए थी कि भाई देखिए इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी, और टिट फॉर टैट होगा अगर आप हमारे चीन वालों को नत्थी वीज़ा दोगे, अगर आप हमारे अरुणाचल वालों को नत्थी वीज़ा दोगे तो तिब्बत पर तो आपका कब्जा है ही है, हम तिब्बत के निवासियों को हम जो हैं एक नत्थी वीज़ा देंगे, क्यों माने हम उनको। और आपने तो बनाई रखा है पूरा अपने कॉन्सेप्ट, क्या आपने किस तरीके से एक हथेली की बात करी और हर क्षेत्र पर आपने कब्जा करने की बात करी, लगभग आपने हर देश पर अगल बगल वालों पर आपने कब्जा कर रखा है, तो हम आपको क्यों माने इस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि अगर हम इस तरह करें तो देखिए चीन पर हम दबाव पहले भी ला सकते थे, कि हमने क्या किया, हमने चीन की तरफ से अपना उनका पूरा दबाव अपनी ओर आने दिया और हम सोचते रहे कि बहुत बड़ा देश है जिससे पंगा लेना सही नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वीजन सांप की बात कर रहे हैं कोई और नहीं है, मेरा मानना है ये स्वीजन सांप चीन है। चीन जिस तरीके से उसने अपने एक ड्रैगन को बना रखा है जिसके मुंह से आग निकलती है,
कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में चीन का, वो सिर्फ जहर उगल रहा है, अब पूरी दुनिया आज की तारीख में उसको महसूस कर रही है। चलिए आगे चलते हैं, ये एक बात करते हैं, सेना का प्रबंधन करना है तो सेना के साहस के एक मानक को स्थापित करना होगा जो सभी तक पहुंचना चाहिए। तो निसंदेह देखिए, सेना द्वारा एक उच्च आदर्श की इन्होंने बात करी है और वो निसंदेह कहीं ना कहीं हर देश उसको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करता है। किसी के देखिए कुछ आदर्श हो सकते हैं, किसी के कुछ आदर्श हो सकते हैं, हम उस पर बहुत नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने उसकी बात करी है। इन्होंने कहा है कि कुशल सेनापति अपनी सेना का संचालन वैसे ही करता है जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक किसी आदमी का किया जाए। ये आदमी में और सेना में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, मेरा मानना ये है, क्योंकि आदमी को अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो आदमी एक होता है, सेना का पूरा एक कारवां होता है, हर तरह के लोग होते हैं उसमें, आप अपने परिवार में एकता नहीं रख सकते, लेकिन सेना अपने सिर्फ अनुशासन के बल पे अपने अंदर कंट्रोल करती है। सेना का वही अनुशासन सबको फॉलो करना चाहिए, इसीलिए सेना हमेशा अपने उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए सफल होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है कि चुप रहना, गोपनीयता सुनिश्चित करना एक सेनाध्यक्ष का कर्तव्य है। देखिए बात तो बिल्कुल सही है और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि वो अपनी किसी भी तरीके से जो बात होती है उसको वो फॉलो किसी को ना बता पाएं, ऐसा ना हो कि उनके मुंह खोलने से किसी को कोई बात मालूम चले। और वो इसलिए भी होती है कि भाई दुश्मन देश कहीं ना कहीं उनकी बात से कुछ पता ना लगा पाए। आपने इसे देखा होगा अक्सर की पॉइंट्स पर बैठे हुए लोग, की पोस्ट के लोग कुछ बोलते नहीं हैं, और ऐसा लगभग सारी दुनिया में होता है, ये कोई चीन के अकेले की बात नहीं है। इन्होंने लिखा है कि अधिकारियों और सैनिकों के लिए झूठी रिपोर्ट बनाओ, उसको दिखावे से रहस्यमयी बनाओ और उन्हें पूरी तरीके से अज्ञानता में रखो। अब देखिए, जिस सैनिक और सैनिक अधिकारियों से हमको काम करना है, हमको जंग में ले जाना है, जिनसे हम हो सकता है कि दोबारा कई सैनिक लौट के बिना आए, उनको भी कहते हैं झूठी रिपोर्ट दिखाओ, ये हैं इनका झूठ, झूठी रिपोर्ट दिखाओ, झूठे एक तरीके से दिखावा करो। कहीं ना कहीं ये अपने सैनिकों के साथ ही इंफॉर्मेशन वारफेयर है, या सूचना को छिपाना की कला बता रहे हैं, ये है इनकी असलियत। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने कहा दुश्मन को हमेशा अपने उद्देश्य का अनुमान लगाने से रोको। बात तो खैर बिल्कुल सही है, दुश्मन को हमेशा इस तरह रखिए कि दुश्मन कभी भी ये ना समझ पाए कि वो चाहता क्या है, आपका दुश्मन ये ना समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं। आप उसको सोचने दीजिए ना कि वो खुद गेस करे कि आप क्या सोचते हैं। देखिए जब भारत ने उड़ी पर हमले करने के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों के, भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक को किया, उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक को भी सक्सेसफुली पूरा किया, तो उसके पहले के देखिए जितने भी बयान आ रहे थे नेताओं के, रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के या सेना वालों के, क्या होते थे कि सेना को छूट है, कब क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे, वक्त हालात ये सेना डिसाइड करेगी। इसका क्या मतलब होता है कि अब सेना को आपने फ्री कर दिया, सेना जो अपनी सेना है वो डिसाइड करे, लेकिन अब क्या होगा कि दुश्मन देश और दुश्मन सेना यही सोचती रहेगी क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, वो अपना अलर्ट मोड सब तरफ रखेंगे। हम उसी अलर्ट मोड से कुछ टाइम निकालेंगे, कुछ चुराएंगे और इन पर अपना अटैक करके दिखाएंगे, तो ये चालें होंगी। देखिए आगे चलिए, इन्होंने लिखा है संकटमय स्थिति में सेना नायक उस जगह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ गया हो, उसके पीछे से सीढ़ी हटा दी गई हो। भाई देखिए युद्ध है और युद्ध में अगर आप चले गए हैं तो लगभग ऐसी परिस्थितियां अक्सर खड़ी हो जाती हैं जहां पर पीछे हटने का विकल्प नहीं होता। भारतीय सेना को लगभग 47 में भी, 62 में भी, 65 में भी, 71 में भी और कारगिल में भी कई बार कहा गया कि पीछे हट जाओ दोबारा कब्जा कर लेंगे री इन्फोर्समेंट आते ही, लेकिन हमेशा भारतीय सेना ने मना किया। उसका कारण क्या होता है जो हमारा मानना है, अगर हम एक बार पीछे हट गए, मान लीजिए
तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि ये हम पीछे हटे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा ले ले। री इन्फोर्समेंट आते ही जब उस पर जब दोबारा अटैक करेंगे, हमको पता नहीं कि दुश्मन वहाँ पर अपना कब्जा कितना अच्छा कर लेगा। तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर लड़ते रहें, री इन्फोर्समेंट जब आएगी तो अपना देखेगी, हम पीछे ना हटें। देखिए, पीछे हटना और आगे बढ़ना एक सैन्य कला के हिसाब से वहाँ के जो लोकल लेवल के जो कमांडर्स होते हैं फैसला करते हैं, लेकिन कभी कभी सैनिक इस तरह का परिचय दे देते हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि सैनिक यहाँ पे साहस की बात कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे अक्सर कमांडर्स को भी झुकना पड़ता है। आपको भारत के सैन्य इतिहास में कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि सैनिकों ने पीछे हटने से ही मना किया है जबकि ऊपर के ऑर्डर थे। ये है साहस की परिभाषा। इसको चीनी माओ से तुंग असंतजू अभी 7 जन्म और लें तब भी भारतीयों की परंपरा को नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम और आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है, अपने सैनिकों को संगठित करो और खतरे से बाहर निकालो। आगे लिखते हैं, जो 9 प्रकार के मैदानों के अनुकूल हो, आक्रमण करना है या रक्षात्मक नीति करने की सुविधा है, यही सब वो नियम है और इन सभी का अध्ययन करना चाहिए। इनका कहना एक चीज़ और भी है कि जब आप शत्रु देश पर हमला कर रहे हैं तो अब आप जब गहरे जाकर के या अंदर जाकर के हमला करेंगे तो उससे एक सामंजस्य बैठता है और छोटे रास्ते का चुनाव करने मतलब है बिखराव। देखिए, बात तो सही है क्योंकि उस समय आपको लगता है कि हम अंदर आ चुके हैं, हमको मजबूत बनना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु देश मजबूत बन जाए, ठीक है ना। तो आपको तो ऐसी परिस्थितियों को ही जन्म देना पड़ेगा और आपको हमेशा से आगे रहना ही पड़ेगा, इसलिए कि हमको अपनी एकता दिखानी है। दूसरी बात क्या है, 71 के युद्ध में भी हम बांग्लादेश में काफ़ी अंदर तक घुस गए थे, इसीलिए हम सर्वाइव किए और हमने मजबूर किया कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे उस समय की सेना सरेंडर करे। और कहा जाता है आज के तारीख में जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके नाना या बाबा ऐसे कुछ थे जनरल नियाजी, उनके नेतृत्व में हमने 93,000 सैनिकों का समर्पण करवाया था। हमने उन परिस्थितियों को, हमने उन चीज़ों को जो है किया है, इसलिए हमें पता है कि अंदर जाने के बाद जब हम टिकते हैं और सामने वाले दुश्मन को जब हम मजबूर करते हैं कि देखो हम आ गए हैं, हम एक हैं और हम इतने दूर से आकर तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो उसके अंदर खुद एक दिल में सवाल होता है कि जो इतने दूर से अंदर आया है वो क्या होगा। तो हमने ऐसा किया है। इसके अलावा जहाँ पे हम बात करते हैं आगे इनसे, तो ये कहते हैं, विवादास्पद मैदान पे मैं फैसला लेने में जल्दीबाजी करूँगा और खुले मैदान पे मैं अपने दुश्मन पर कड़ी नज़र रखूँगा। राजमार्ग काटते हुए मैदानों पर मैं अपने गठबंधन को मजबूत करूँगा। इसका क्या कहते हैं ये कि सिपाही का स्वभाव यह होता है कि जब वह खुद को घिरा हुआ पाए तो अपने कड़े प्रतिरोध का प्रदर्शन करें, जब आप घिर जाएं तो अपना प्रदर्शन अच्छे से करें, और जब आपको समझ में आ जाए कि आपकी मदद कहीं से नहीं होगी तो अच्छे जज्बे से लड़ें, और जब आप खतरे में पड़ जाएं तो जो आपको आदेश मिला हुआ है उसका सही ढंग से पालन करें। इसके अलावा कहते हैं कि आप जब तक अपने पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से ना जान जाएं, उनकी रचनाओं से परिचित ना हों, तब तक उनसे गठबंधन मत कीजिए। जब तक आप दुश्मन देशों के पहाड़ जंगल वहाँ की परिस्थितियों के बारे में ना जान जाएं, तब तक कुछ मत करिए और हमेशा वहाँ के लोकल गाइड का ही यूज़ करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने ऐसा 1962 में भी किया था और हमको इस समय यहाँ पे इनके इन चीज़ों की तुलना चाणक्य से या कौटिल्य के सिद्धांतों से करनी पड़ेगी, तब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे इसके लिए टाइम नहीं है, वो उसका लेकर अलग सेशन चलेगा कि इसमें कौटिल्य क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि देखिए भाई, सैनिक अपना सामना स्वयं करे और सैनिक को कोई भी योजना का पता ना लगने दें। कुछ चीज़ तो बतानी पड़ेगी ना, ये कहना बिल्कुल भी ना पता लगने दीजिए, और जब दृष्टिकोण उज्जवल हो तो ही उसे उनके आंखों के सामने लाएं, लेकिन उन्हें कुछ भी ना बताएं जब परिस्थितियां निराशाजनक हों।
तो जाहिर सी बात है कि निराशाजनक कंडीशन में आप कुछ नहीं बताएंगे, वो फैसले ऊपर के होते हैं। जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो आप बताते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के ये टॉप सीक्रेट की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से किसी भी प्लान में सीक्रेट बना कर रखना। फिर कहते हैं कि जब सेना कोई नुकसान उठाकर पराजय के पास होती है तो वो विजय के लिए प्रहार करती है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सेना पराजय के पास होती है और जब वो समझ रही होती है कि हम बिल्कुल अब हारने वाले हैं, तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले लेगी कि जिसके बाद वो जीत जाए। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा, हार और जीत का। देखिए कहा जाता है जर्मनी और जापान बहुत तेज़ी से जीत रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। एक घटना हुई पर्ल हार्बर, जापानियों ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अमेरिका उसको बचा नहीं पाया, वहाँ पे कहते हैं अमेरिकियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बदले में क्या किया अमेरिका ने, उसका वो बदला लेने के लिए अमेरिका ने तुरंत वहाँ पर कुछ महीनों के बाद अगस्त में आते आते अगस्त 45 में 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम का यूज़ कर डाला। मैं यहाँ पे एटम बम के प्रयोग का कोई बहुत बड़ा पक्षधर नहीं, मेरा मानना है कि आप वैसे ही सिंपल तरीके से लड़ने ज़्यादा अच्छा रहेगा, मानवता का नुकसान क्यों करना। और जब आप हर देश जब यही यूज़ कर लेगा तो आखिर ये सैनिक और सरकारें अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कहाँ से करेंगी, तो इसका प्रयोग ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मालूम चलेगा कि हर देश यही बना के बैठ जाए और फिर तो किसी और वेपन की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी आजकल रोबोट का ज़माना आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम करने लग गए हैं, मालूम चलता है कि अब फाइटर प्लेन की भी ज़रूरत नहीं है और वो ड्रोन जाते हैं, बम गिराते हैं, चले जाते हैं। लादेन को मारने में भी हमने ऐसे कई बार प्रयोग किए थे अमेरिकियों ने। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि जब 99 का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ कारगिल में, तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी, ड्रोन नहीं थे, अपना GPS सिस्टम नहीं था कि हम चीज़ों को मालूम कर पाते। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख में सेना किन हथियारों का प्रयोग कर रही है, उसके टक्कर में हम कहीं ना कहीं आगे देखते हैं। चलिए अब अगर हम इसको अगर हम आगे देखें तो हमें कुछ चीज़ें इनकी और समझ में आएंगी और वो कुछ इस तरीके से बात आगे बढ़ती हैं। ये कहते हैं कि परिषद कक्ष में कठोर रहें ताकि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अब यहाँ पे परिषद कक्ष में ये कंफर्म नहीं है कि वार मीटिंग की बात कर रहे हैं या जो मंत्रिपरिषद जिसको चल कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये वार प्लान की बात कर रहे होंगे कि जब वार प्लान तैयार होता है उसके लिए जब एक मीटिंग चल रही होती है कि जो डिसाइड करती है कि आपको युद्ध कैसे करना है, कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कहते हैं, अगर दुश्मन दरवाज़ा खुला छोड़ दे तो तेज़ी से अंदर भाग जाओ। अब ये कोई एक मतलब समझ में नहीं आता, दुश्मन आखिर दरवाज़ा क्यों छोड़ेगा आपको खुला, सोचने की बात है। दुश्मन को आखिर आपको तो बुलाएगा नहीं कि आप आइए साहब, आपका स्वागत है, आप आइए हमारे यहाँ अंदर घुसिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और आप भी कोई इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि दुश्मन ने खुला छोड़ दिया तो आप अंदर भाग जाएंगे। हाँ, जैसे देखिए पहले किले के टाइम में होता था कि किले का दरवाज़ा खोल दिया जाता था, कोई खोलता नहीं था, या तो आप उसको घूस दे करके खुलवाते थे या आप दरवाज़ा तोड़ते थे या अंदर से किसी आदमी को आप कहते थे कि भाई इधर से जाओ छुप करके जाके खोलो तो आप अंदर घुसते थे। ऐसा नहीं था कि दुश्मन आपका बहुत अच्छे से कोई वेलकम करे, आइए आइए आप आ गए। दूसरी बात क्या है, ये जो इन्होंने बात करी है कि तेज़ी से अंदर भाग जाओ, ये भी तो हो सकता है कि दुश्मन की कोई चाल हो आपको अंदर आके मारने की। कभी आप बड़ा इमामबाड़ा जाइए लखनऊ में तो आपको देखने को खुद मिल जाएगा कि बड़ा इमामबाड़ा इसीलिए बनाया गया था कि दुश्मन अंग्रेजी सेना कभी अगर अंदर आए तो उसकी छतों पर ये घूम करके रह जाए और वो वहाँ से एक भी व्यक्ति जिंदा ना जाने पाए। वहाँ पे सैनिक छुप करके बैठ सकते थे। अब समझ में आता है ना कि वो वहाँ पर जाइए तो सब कुछ एक बरामदे की तरफ खुलता है, ठीक है, लेकिन जो आदमी ना जानता हो क्या करेगा। तो मेरा अपना पर्सनल मामला है कि जैसे अगर किसी ने इमामबाड़े का गेट खोल दिया और अंग्रेजी सेना अंदर आ गई तो कम से कम 500-700 सैनिकों को तो वो अंदर इमामबाड़े के छत पे मार सकते हैं खुले में, अंदर बुला बुला के। अब बाकी अगर आपने फिर से गेट बंद कर दिया और आपने घेर लिया
जलमहल वगैरह की तरफ से, तो फिर तो कांड हो गया। तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ थीं, वहाँ की क्या इस तरह कोई परंपरा रही हो तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा अब समझ में नहीं आता। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है, इनका ये एक इशारा हो सकता है कि अगर दुश्मन के क्षेत्र में घुसने का मौका मिल जाए तो घुस जाओ, ये एक इशारा होगा कि अगर दुश्मन ने कहीं पर कोई गलती कर दी है, दरवाज़ा खुला छोड़ दे, ये हो सकता है कि अगर दुश्मन ने कहीं कोई गलती कर दी है तो उस गलती का फ़ायदा उठाओ और अंदर घुस जाओ, ये हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रतिद्वंदी को वह चीज़ जीत कर रोकिए जो उसको प्रिय हो। एक चीज़ जीत लीजिए जिसको प्रिय हो और फिर बड़े चालाकी से उसको मैदान में ले आइए। कोई उसको ऐसी चीज़ हो जो राजा महाराजा युवराज उस समय लड़ते थे, उनको कोई चीज़ प्रिय हो उस पर कब्जा कर लीजिए, कहिए भाई आप लड़ने के लिए आओ, तो उनको तो आना भी मजबूरी हो जाएगी। तो फिर से वे वही चाल है चारा फेंक के मारने की। और अंत में एक बड़ी अजीब और लास्ट की बड़ी अजीब बात लिखते हैं कि आप दुश्मन तीस के सामने अपनी एक ऐसी निष्ठा का प्रदर्शन करें जैसे आप कोई अनमैरिड लड़की हो। उनको मतलब इस तरीके से दिखाएं कि हम बहुत ही शांत और एक तरीके से कह सकते हैं कि अनमैरिड लड़कियों की जो क्वालिटी होती है, जो भी जिस पर भी आजकल देख करके लोग एक तरीके से कहा जाए कि भाई अब समझ जाते हैं, उसका मैं खुल के यहाँ बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि आप अपनी निष्ठा का प्रदर्शन वैसे करें जैसे कि अनमैरिड लड़कियाँ करती हैं लड़के के लिए। यह आपको तब तक करना है जब तक कि दुश्मन आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, और जैसे अट्रैक्ट हो जाए तो तुरंत खरगोश बन जाइए, अपनी चालों को जल्दी से पूरा करिए जिससे दुश्मन आपका विरोध ना कर पाए और उसको ये सब करने में देर हो जाए। तब आपने अब समझ लिया होगा कि नौ परिस्थितियाँ जो है, नौ कंडीशन की बात जो इन्होंने करी है सुन तज़ू ने, वो किस तरीके से करी है, ये किन किन चीज़ों की बात करते हैं। आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि नौ परिस्थितियाँ क्या थी। ये इनका सबसे लंबा चैप्टर था और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पूरा क्लियर हो गई होंगी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको समझ में आया होगा। कोई अगर आपके पास कोई अगर इस तरीके से कोई पॉइंट्स क्लियर ना हुए हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, आपसे लेकर स्वागत है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, मैं जो पहले कहता आया हूँ अभी भी फिर वही कह रहा हूँ कि ये थे बहुत चालबाज आदमी, चतुर चालाक थे, चालबाज थे। और आप देखिए कि इनकी बात को फॉलो करते करते वो चीन जिसने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की दीवार बनवाई थी, जिसको डर था कि चीन पे लोग हमला करते हैं, आज वो दुनिया के लिए किस तरह खतरा बना है। वो चीन जिसने अपने आप को चीन की दीवार में सुरक्षित करना इसकी सोचा था कि हमें कोई ना मारे, वहाँ से निकल करके आज वो चीन जो साउथ चाइना सी, तिब्बत, भारत, रूस, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। उसने अपने अंदर कितने चेंजेस लाए हैं, ये चेंजेस कुछ सौ साल के अंदर हुए हैं। चीन की दीवार से लेके आप उसका अब तक का इतिहास उठा के देख लें, उसके बाद उसने दब करके नहीं देखा, और सांस्कृतिक क्रांति के बाद, माओ ज़ेडुंग के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं देखा। इसलिए चीन की वो सरकार जो माओ के पहले थी, वो और माओ के बाद की सरकारों में कितना बड़ा अंतर आया है आपको खुद समझ में आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।